हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ योजना, जो कि बेस्ड है छोटी बड़ी संख्याओं पर। तो देखिए, कभी भी आप पाठ योजना लिखना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आप लिखते हैं छात्राध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक, कक्षा, विषय मीन सब्जेक्ट जो आप बच्चों को पढ़ाएंगे, जैसे आज हम गणित की बात कर रहे हैं, उपविषय माने टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक है छोटी बड़ी संख्याएँ, दिनांक और अवधि, अवधि मीन्स ड्यूरेशन, कि आपकी क्लास कितनी देर की होगी। ठीक है, देखिए जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है, उसके बाद आता है सहायक सामग्री। बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं अपने चैनल पे काफ़ी ज़्यादा लेसन प्लान की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आज तक की मेरी सारी लेसन प्लान की वीडियोज़ अपीयर हो जाएंगी, तो आप उनमें से किसी भी वीडियो की हेल्प ले सकते हैं अपनी पाठ योजना बनाने में। फाइन, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चली चलते हैं आगे की तरफ। हम बात कर रहे थे सहायक सामग्री या शिक्षण सामग्री के बारे में। इसका मतलब होता है वो चीज़ें जिनकी हेल्प से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसमें आता है श्यामपट, चौक, झाड़न, संकेतक आदि। श्यामपट मीन्स ब्लैक बोर्ड, चौक आपको पता है, झाड़न मीन्स डस्टर, संकेतक मीन्स पॉइंटर। ठीक है, अब आते हैं सामान्य उद्देश्य, मतलब जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाने का आपका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे तीन पॉइंट्स दिए हैं। पहला है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, दूसरा है बच्चे गणित के महत्व को समझ सकेंगे, और तीसरा है बच्चों में तर्क शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति का विकास होगा। ठीक है, इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। देखिए सामान्य और विशिष्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। देखिए सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य में डिफरेंस क्या है। सामान्य उद्देश्य है कि ओवरऑल सा एम क्या है आपका टॉपिक पढ़ाने का, विशिष्ट उद्देश्य है मेन एम क्या है आपका इस टॉपिक को पढ़ाने का। तो यहाँ भी दो पॉइंट्स दिए हैं। पहला है छात्रों में छोटी बड़ी संख्याओं की तुलना करने की क्षमता बढ़ेगी, दूसरा है छात्रों को छोटी बड़ी संख्याओं का ज्ञान करवाना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान परीक्षण, मतलब कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, यानी कि बच्चों को कितना आता है वो चेक करना है। तो आपने कभी भी टॉपिक पढ़ाना है, उससे पहले हमेशा ही प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करनी है। यहाँ पे दो कॉलम्स बनेंगे, एक साइड लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया, एक साइड लिखेंगे छात्र छात्रा क्रिया। तो अब हमारा क्वेश्चन रहेगा, बच्चों हाथी के कितने पैर होते हैं? बच्चे बोलेंगे चार। हम पूछेंगे आदमी के कितने पैर होते हैं? बच्चे बोलेंगे दो। हम पूछेंगे दोनों में से किसके पैर ज़्यादा हैं? ऑब्वियसली हाथी के चार पैर हैं तो हाथी के ज़्यादा हैं, बच्चे भी वही आंसर देंगे। फिर हम पूछेंगे संख्या द्वारा आप कैसे बताओगे कि किसके पैर ज़्यादा हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न है, बच्चे कैसे बताएंगे, वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए, अब हम करेंगे उपविषय की घोषणा, इंग्लिश में बात करें तो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। हम कहेंगे बच्चों आज हम छोटी बड़ी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण, मतलब प्रेजेंटेशन। यहाँ पे चार कॉलम्स आप बनाएंगे, आप लिखेंगे मुख्य बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट कार्य। श्यामपट कार्य का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड वर्क। मुख्य बिंदु में आएगा स्पष्टीकरण, अब आप बच्चों को समझाएंगे, आप बच्चों को समझाएंगे कि बच्चों जब हम देखते हैं कि जब एक संख्या छोटी होती है तब बंद मुंह वाला चिन्ह लगाते हैं, जैसे ये, और जब पहली संख्या बड़ी होती है तो हम खुले मुंह का निशान लगाते हैं, जैसे ये। ठीक है, तो ये आपने बच्चों को बता दिया कि निशान कौन सा कब लगाना है। अब आप बच्चों को उदाहरण के थ्रू समझाएंगे, और इस टाइम पे आप ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखेंगे, छोटी बड़ी संख्याएं, और छात्र छात्रा क्रिया में क्या आएगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब चलते हैं आपके उदाहरण। तो ये देखिए पाँच, आप खाली डब्बा बनाएंगे, दस लिखेंगे, फिर आप बच्चों से पूछेंगे, फिर आप उनको समझाएंगे भी कि इस उदाहरण में पाँच दस से छोटा है, इसलिए हमने बंद मुँह वाला निशान लगाया है। ठीक है, छात्र कॉपी पे लिखेंगे, ये एग्जाम्पल आप ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल दिया है वो भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं। 42 यानी 42 और 19, इस उदाहरण में 42 19 से बड़ा है, अतः हमने खुले मुंह वाला निशान लगाया है। इसके बाद आप तीन, हमने तीन एग्जांपल्स और किए हैं, आप वो भी ब्लैक बोर्ड पे करेंगे, बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है रिकैप्चुलेशन, यानी कि पुनरावृत्ति। तो हम इसमें कहेंगे बच्चों आज हमने छोटी बड़ी संख्याओं के बारे में पढ़ा, और यह भी जाना कि चिन्हों द्वारा कैसे बताएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। तो देखिए ये हल्का सा रिवीजन होता है बच्चों का। इसके बाद आता है मूल्यांकन या निरीक्षण कार्य। हम इसमें लिखते हैं छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी कि छात्र श्यामपट कार्य कॉपी पर सही से कर रहे हैं या नहीं।
आगे आता है गृह कार्य मतलब होमवर्क। यहाँ पे आता है निम्न प्रश्न करें। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं। देखिए बच्चों को होमवर्क देना बहुत ज़रूरी है, आप होमवर्क नहीं देंगे तो बच्चे पढ़कर नहीं आएंगे। कम से कम 3 क्वेश्चंस होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चंस, उससे ज़्यादा नहीं देने हैं। और ये हो गया हमारा लेसन प्लान कम्प्लीट। मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं अपने चैनल पर HP GK के नोट्स, जनरल स्टडीज़ यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब से रिलेटेड नोट्स प्लस लेसन प्लान्स फॉर GBT और DLED भी अपलोड करती हूँ। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।